Assalamualaikum friends, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं अपने किचन में आलू मेथी की सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए हमें मेथी चाहिए। कि मैंने 2 गड्डी मेथी ली है और इसको मैंने बॉईल करके ग्राइंड कर लिया है। आलू हैं ये मैंने 3 अदद लिए हैं। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची लिए मैंने, इसको मैंने पीस लिया है छोटा छोटा। मिर्ची, हल्दी और नमक है हमारे पास। टमाटर, हरा धनिया, अब हम इसे पकाएंगे। इसमें सबसे पहले ऑयल जाएगा। हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने कद्दूकस किया हुआ है, देखिए कद्दूकस करने से प्याज बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है। प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि हमने मेथी को पहले ही बॉईल किया हुआ है। और प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे इसमें। ये देखें अच्छे से जो है ना मसाला, मतलब कि प्याज और आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन और मिर्ची जो अच्छे से फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें हम नमक, हल्दी और मिर्ची वो शामिल कर देंगे। आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधी 1 चम्मच जो है हिला के मैंने ये सुरख मिर्ची ली है, और नमक जो है वो मैंने वो भी 1 चम्मच हिला के लिए है। अगर नमक कम हो तो फिर आप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले कम ही इस्तेमाल किया है। सूखी सब्जी में नमक हम डाला करें, क्योंकि अगर ज़्यादा सब्जी मतलब कि सूखी सब्जी में आप डाल देते हैं तो वो बाद में ज़्यादा हो जाए तो निकालना तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले कम नमक डालें, उसके बाद ही आप अगर ज़रूरत हो तो नमक डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। साथ ही इसमें टमाटर भी खाएंगे। अच्छे अच्छे से तेज आंच पे फ्राई करना है।
और हम इसमें ये बॉईल की हुई मेथी ग्राइंड की थी मैंने, इसको मैंने ग्राइंड कर दिया था। ये ग्राइंड की हुई मेथी आप इसमें शामिल की है, और फिर उसको आप मीडियम कर लें। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए मेथी, अब इसे हम ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये चेक करें हम, आलू चेक करते हैं। आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। हमारी आलू मेथी की सब्जी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।